जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन शुरू होगा आपको लिए चलेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है जहां पर आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शुमार था यह आतंकी जिसकी गिरफ्तारी हुई है। आईएसआई के आतंकी रिजवान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। आतंकी रिजवान पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आतंकी रिजवान जो कि आईएसआईएस का आतंकी है इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 3 लाख रुपए के इनामी आतंकवादी को पुलिस ने धर दबोचा है। ये बता देते हैं आपको ज्वाइंट ऑपरेशन रहा ये एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में इस आतंकी का नाम शुमार था जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। 3 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित था जो अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। शंकर आनंद और जानकारी देंगे। शंकर आनंद ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी। वो आतंकी जो देश को नुकसान पहुंचाने की फिराक में था अब पुलिस के हत्थे पुलिस की स्पेशल टीम के हत्थे चढ़ चुका है। कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया कैसे इसको गिरफ्तार किया गया है? जिस तरह से देखिए कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रिजवान को गिरफ्तार किया गया है। अपने आप में ये बड़ा मामला कहा जा सकता है क्योंकि रिजवान अली की जो तलाश है वो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा तलाश की जा रही थी और पिछले काफी समय से इसकी तलाश की जा रही थी। इसके खिलाफ बकायदा 3 लाख का इनाम भी रखा गया था लेकिन पिछले कुछ समय के दौरान में जिस तरह से इसके खिलाफ तमाम सबूतों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा इकट्ठा किया गया उन्हीं तमाम सबूतों के आधार पर और इसके साथ साथ जो तमाम साक्ष्य हैं उसके आधार पर इन तमाम मामलों पर आगे की तफ्तीश की गई और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद अब आगे इस मामले में उसे विस्तार से पूछताछ होगी। हालांकि आज उसे पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की रिमांड मांगी जाएगी और उसके बाद कोर्ट को बताया जाएगा कि इसके खिलाफ किस तरह से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया किस तरह से इसकी गिरफ्तारियां हुई हैं और ये क्या किस तरह की साजिश से रचने की तैयारी में था। जिस तरह से बकायदा इसके खिलाफ जो तमाम आरोप लगे हैं वो आरोप बेहद गंभीर हैं और जिस तरह से इसके खिलाफ ये भी बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन आईएसआई से यह जुड़ा हुआ आतंकी है तो इसका जो मॉड्यूल है जिस तरह से कहा जा सकता है पुणे मॉड्यूल में इसकी भूमिका निकल के सामने आई थी और राजधानी दिल्ली में दरियागंज से इलाका दरियागंज जो इलाका है यहां से जुड़ा हुआ कनेक्शन जो है वो निकल के सामने आया था। तो कहा जा सकता है कि इन तमाम मामलों पर आज विस्तार से कोर्ट बताया जाएगा उसके बाद स्पेशल सेल के द्वारा भी विशेष तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। शंकर आनंद एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में रिजवान का नाम शामिल था मतलब आप कह सकते हैं इसकी गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण थी। अब जब इसकी कोर्ट में पेशी होगी अब इससे आगे की कड़ियां खुलेंगी कि आखिर किस तरह से देश को नुकसान पहुंचाने की इनकी फिराक थी कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं और आगे की क्या प्लानिंग थी। लेकिन इसकी गिरफ्तारी के बाद क्या स्पेशल पुलिस की तरफ से या सुरक्षा बलों की तरफ से कोई जानकारी साझा की गई है कुछ बताया गया है कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है क्योंकि इसकी गिरफ्तारी ऐसे ही नहीं हो जाएगी जब तक जानकारी पक्की नहीं होगी इस आतंकी के कहीं पहुंचने की तब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। कोई ऐसी जानकारी जो पुलिस ने डिस्क्लोज करी हो मीडिया के साथ? देखिए थोड़ी देर के बाद इस मामले में औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को स्पेशल सेल के द्वारा औपचारिक तौर पर साझा किया जाएगा लेकिन जिस तरह से स्पेशल सेल के द्वारा हमारे जो सूत्र बताते हैं कि इसके खिलाफ जो आरोप हैं वो आरोप बेहद संगीन हैं और 15 अगस्त के ठीक पहले जिस तरह से इस आतंकी की गिरफ्तारी हुई है तो एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन जब इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा जब इस मामले में पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो इस मामले में और भी ज्यादा जो बातें हैं वो निकल के सामने आ सकती हैं कि किन किन राज्यों में इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है किस तरह की साजिश को ये अंजाम देने की फिराक में था क्या और कौन कौन से लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इन तमाम मामलों पर जब पूछताछ की प्रक्रिया होगी तो उसके बाद भी ये तमाम बातें निकल के सामने आएंगी तो एक तरह से कह सकते हैं कि शंकर आनंद 15 अगस्त से पहले आतंकी गिरफ्तारी तो महत्वपूर्ण हो ही जाती है लेकिन आप देखिए पूर्व में जिस तरह से राम मंदिर को उड़ाने की बात की जा रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की बात की जा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी इसी तरह की आतंकियों की तरफ से उनको नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही थी तो हर लिहाज से आप कह सकते हैं कि इस आतंकी की गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लग चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका शंकर आनंद जानकारी के लिए।